है, दोनों में DDR हेड है, गेट सब्जेक्ट टू रेमिटेंसेस दोनों में DDR हेड है। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। क्लियर? ओके सर, थैंक यू सर। यस हाँ सर, सर, क्लियर। ऐसे बहुत कंफ्यूजन रहता था सर। थैंक यू सर। हम तो डर ही गए थे फॉर्म को रखने से, मैंने डर ही गए थे इतना फॉर्म को कैसे याद करे। पहले बता दिया आप लोग को याद नहीं करना पड़ेगा, आप लोग कमाल नहीं करते हैं, मुझ पे विश्वास नहीं करते, बताइए मेरी तौहीन है? नहीं, विश्वास तो विश्वास लोग तो कर रहे रखते हैं तभी हैं, तो। विश्वास तो करते हैं सुनिए सर। सुनिए सुनिए सुनिए, संदीप माहेश्वरी जी के इंटरव्यू में खान सर गए थे, समझे? तो हाँ उन्होंने सर, कहा देखे देखे था कि हम देखे उनके। बाकी टीचर कहते हैं कि दम है तो याद करके दिखाओ, और मैं कहता हूं दम है तो भूल के दिखाओ। सही है सर। स्वागत है आप लोगों का। हम लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं पढ़ रहे हैं 16 और 21 में काम आने वाला CPWA कोड और चैप्टर 22 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसका ये थर्ड पार्ट है। ठीक, जैसा कि मुझे एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं था, सबसे ज़्यादा वीडियो, सबसे ज़्यादा व्यूज इसी वीडियो पे मुझे मिले हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि इसके लेकर के लोगों में उत्सुकता थी पहले से ही, तो थैंक यू फॉर दिस। तो हम लोग शुरू करते हैं थर्ड पार्ट में, और थर्ड पार्ट है कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट। ठीक है, कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट। यही वो पोर्शन है जो इसका कोर है, यानी कि सेंटर ऑफ द चैप्टर, यानी हार्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक, कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स के लिए आप लोगों को दो तीन बातें पहले से पता है, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। वो ये है कि ये जो चैप्टर है चैप्टर 22 अकाउंट्स ऑफ डिविजनल ऑफिसर है ना, डिविजनल ऑफिसर, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? अकाउंटिंग अथॉरिटी डिविजनल ऑफिसर है, DO है ना, अकाउंटिंग अथॉरिटी कौन है? DO। ठीक, और आपने डिविजनल अकाउंटेंट के थ्रीफोल्ड ड्यूटीज के बारे में पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं? तो डिविजनल अकाउंटेंट के यस थ्रीफोल्ड सर। ड्यूटी में एक ड्यूटी सीख रहे कंपाइलर ऑफ अकाउंट। तो फिर DA के बारे में था कि वो कंपाइलर ऑफ अकाउंट है ना, तो कंपाइलर ऑफ अकाउंट जब DA है और अथॉरिटी DO है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका काम केवल कंपाइल करना है और ये DO के बिहाफ में करता है। अब बहुत से लोग जो नए नए हैं उनको नहीं पता है कि ये कंपाइलेशन वर्क क्या होता है, हालांकि मैंने अपनी कई वीडियोज में इसको डिफाइन किया है, लेकिन इस चैप्टर में जब हम पूरे पारा को पढ़ लेंगे आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि कंपाइलेशन वर्क क्या कहता है। तो शुरू करते हैं पारा 22.4 से। ठीक है, और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। पारा 22.4 कहता है कि शेड्यूल डॉकेट नहीं, एब्स्ट्रैक्ट बुक हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक और बात, आप लोग में से क्या किसी ने भी WM2 में जो डिवीजन से अकाउंट आता है उसको देखा है आप लोगों ने? किसी ने? एनी वन? सीएस देन सीएस, नो देन से नो। ठीक है, किसी ने भी देखा है? सर मैंने नहीं नहीं, देखा, मैं ऑडिट में हूँ। नो प्रॉब्लम। एक होता है फॉर्म 83, एक होता है फॉर्म 80। ठीक है, लेकिन आप लोगों का जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट बुक, वो है फॉर्म 81। लेकिन यकीन मानिए ये जो फॉर्म 81 है ये मंथली अकाउंट में नहीं आता है, मंथली अकाउंट में, ठीक है, AG ऑफिस नहीं पहुंचता है। तो ये है क्या? देखिए ये जो फॉर्म 80 है ना, यही है मेन अकाउंट। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट का एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है इसी को कहा जाता है मंथली अकाउंट। और आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? आप लोग पढ़ रहे हैं अकाउंट ऑफ डिविजनल ऑफिसर। तो डिविजनल ऑफिसर का अकाउंट तो एनुअल बनता है, डिविजनल ऑफिसर का अकाउंट मंथली ही बनता है।
इसका मतलब कि फॉर्म 80 वो अकाउंट है जिसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, समझ रहे हैं? और फॉर्म 80 जो होता है वो पाओ को, पाओ के पास जाता है, पाओ के पास, और कब जाएगा ये आप लोगों को पिछली वीडियो मैंने बताया था, 8th ऑफ द सक्सेडिंग मंथ बताया था कि नहीं बताया था? 8 8, हाँ 8 है ना, बिल्कुल बताया आप लोगों को। तो ये पाओ के पास जब फॉर्म 80 जाता है ये वाला फॉर्म, तो ये अपने साथ क्या एक सिंपल पेपर जाता है कि उसके अलावा और भी चीजें होती हैं? जी, पूरा 80 जो होता है उसके अलावा बहुत सारे वाउचर और बहुत सारे शेड्यूल्स होते हैं, ठीक। तो ये फॉर्म 80 के साथ में बहुत सारे शेड्यूल्स होते हैं, शेड्यूल ठीक है एंड वाउचर्स, और ये सारे के सारे वाउचर्स जो होते हैं ओरिजिनल होते हैं, फोटोकॉपी नहीं। क्लियर हुआ? तो ये जो शेड्यूल आपने देखा है इस पूरे चैप्टर में, जिसके बारे में आप लोग कह रहे थे कि सर ये तो याद करना बड़ा मुश्किल काम है, यकीन मानिए ये सारे के सारे शेड्यूल जो इस चैप्टर में लिखे हुए हैं इस फॉर्म 80 के नीचे में लगे रहते हैं। मैंने इसके ऊपर में फॉर्म 83 लिखा है यहाँ पे, तो फॉर्म 83 ही वो पहला पन्ना होता है, ठीक है, जो कि अकाउंट के सबसे फ्रंट में दिखेगा। क्या है फॉर्म 83? क्या किसी के पास में ये वाला जो भेजा था मैंने PDF में, वो वाला आप लोग के पास में अवेलेबल है? तो अगर अवेलेबल है तो क्या मुझे देख के कोई बता सकता है कि फॉर्म 83 क्या है? एनीवन, जिनके पास अवेलेबल है PDF में हो, प्रिंट निकाला हो, जबकि मैंने कहा था कि प्रिंट निकाल के रखिएगा, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग में से कितने लोग, लिस्ट ऑफ मंथली अकाउंट्स जो है ना, वो सारा का सारा लिस्ट जाता है इंडेक्स टाइप में। बिल्कुल, हाँ नहीं तो 83 में है क्या? 83 में है क्या? पढ़िए, इसका मतलब है कि आप लोगों ने प्रिंट निकाल के रखा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। देखिए आप लोग थोड़ा सा प्रॉम्प्ट रहिए, ठीक है। फॉर्म 83 क्या कहता है वो देखिए, क्योंकि मैंने पहला कि पहला ही पेज वही है, ठीक है। फॉर्म 83 लिस्ट ऑफ अकाउंट सबमिटेड टू पाओ, तो फॉर्म 83 क्या है? यह है लिस्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो जो फॉर्म 83 है ना, आप जब देखिएगा उसमें सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, सीरियल नंबर 4 तरीके से लिखा रहता है, और फिर उसमें आपको सीरियल नंबर 1 के अगेंस्ट में फॉर्म नंबर लिखना होता है, और फॉर्म नंबर लिखने के बाद में उसमें हेड लिखने होते हैं, या आप हेड ना भी लिखना चाहें केवल फॉर्म नंबर लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। एक तरह से ये समझ लीजिए फॉर्म 83 क्या है, पता है? फॉरवर्डिंग, ठीक है, फॉरवर्डिंग है। फॉरवर्डिंग में आपका जो DO है ना वो लिखता है टू पाओ, ठीक है, ऐसे करके एक फॉरवर्डिंग का फॉर्म बनाया हुआ है, और उसमें लिस्ट है, ऐसा एक टेबुलर फॉर्म बना रहता है, टेबुलर फॉर्म में ऊपर में लिखा रहता है लिस्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 और बहुत लंबी लिस्ट होती है, उसमें आपका ऐसा होगा, यहाँ पे रिमार्क कॉलम है, यहाँ पे होगा फॉर्म 5 सबसे पहले, फिर फॉर्म 46 एकदम बिल्कुल क्रम के हिसाब से, फिर फॉर्म 64 या 49, 46 के बाद में कौन सा फॉर्म हम लोग भर रहे हैं, 49 है ना, फिर फॉर्म 64, फिर फॉर्म 65, और इस तरीके से आगे आगे बहुत सारे फॉर्म चलते जाएंगे, और लास्ट में होगा डिविजनल ऑफिसर का साइन, समझे? ये है आपका फॉर्म 83, यानी कि क्या है, इस तरह से फॉरवर्डिंग लेटर है। समझ में आई बात? हाँ, हाँ या ना, बताइए। ये बहुत सिंपल है ना, फॉर्म 83 के बाद में आपको मिलेगा फॉर्म 80, और फॉर्म 80 किस तरह से बनता है वो भी देख लीजिए आप लोग। ये फॉर्म 80, तो ये फॉर्म 83 सर DO भेजता है ना पाओ को? हाँ बिल्कुल, यही फॉरवर्डिंग लेटर है, वही तो मैंने लिखा टू पाओ फ्रॉम DO, लिखा तो ठीक ठीक है ना। चलिए फॉर्म 80 क्या, तो देख लीजिए फॉर्म 80 है, इसका हेडिंग है मंथली अकाउंट, और देखिए अभी तक जो मैंने आपकी किताब में लिखी हुई वो चीजें मैंने आपको बतानी शुरू भी नहीं की है, लेकिन आपको समझ में आया कि अकाउंट एक्चुअली होता कैसा है ना। मंथली अकाउंट लिखा हुआ है, उसके बाद में हाँ, उसके बाद में यहाँ पे अमाउंट लिखा रहेगा, यहाँ पे रिसीट, यहाँ पे पेमेंट, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट, और यहाँ पे लिखा रहेगा पार्टिक्यूलर, ठीक है, यहाँ पे भी, ठीक है ना। और आप जान लीजिए कि इसमें पार्टिक्यूलर में कुछ और नहीं लिखना है, खाली फॉर्म का नंबर लिखना है, फॉर्म 5, और फॉर्म 5 जो होता है उसका सिर्फ मेजर हेड भी लिखना है कि फॉर्म 5 कौन से मेजर हेड में ऑपरेट होता है, और इसमें टोटल आपका जो फिगर है वो अमाउंट लिखना है। तो इसमें आपको और कुछ नहीं लिखना है, टोटल फिगर, ठीक है, ऑफ
दैट मंथ ओनली, प्रोग्रेसिव फिगर नहीं लिखना है. तो फॉर्म 80 में ठीक है फिगर ऑफ द पार्टिकुलर मंथ ओनली, नो प्रोग्रेसिव फिगर. और इसमें दोनों का साइन होता है, डीए का भी और डीओ का भी, समझे. इसमें प्रोग्रेसिव फिगर नहीं होता है. प्रोग्रेसिव फिगर का मतलब समझते हैं आप लोग? नहीं. मान लीजिए मंथली अकाउंट जहां, मंथली अकाउंट जहां लिखा हुआ है ना, वहां पे आपको लिखा मिल जाए मंथली अकाउंट ऑफ अगस्त 2022, ये ना होगा. तो इस वाले में जो भी आप फिगर लिखेंगे रिसीट में और पेमेंट में, जितने भी शेड्यूल आपके फॉर्म के बारे में बताए गए हैं इस चैप्टर में, उनका जो केवल मंथ में, केवल अगस्त में जो टोटल फिगर होगा आपको वही लिखना है, न कि आपको फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट कहां से हो जाएगा, अप्रैल मई जून 31 जुलाई. तो चार महीने के जो पहले खर्चे हैं उनको फॉर्म 80 में नहीं लिखा जाता है, समझ गए. इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि फॉर्म 46 है, रिसीट में तो 46 ही होगा, 64 इस साइड में होगा, होगा ना. 64 केवल एक्सपेंडिचर के बारे में कहता है, ठीक है. फॉर्म 46 में मान लीजिए, हाँ फॉर्म 46 में मान लीजिए फिगर है 7,000 रुपए, ठीक है. तो ये 7,000 रुपए केवल अगस्त के महीने का है, ठीक. लेकिन जब आप फॉर्म 46 अपना बनाइएगा ना, तब उसमें आपका मंथ का भी होगा और प्रोग्रेसिव भी होगा, ठीक है. समझ आई बात? हाँ सर, है ना. ये जो फॉर्म 46 जब आप अपना बनाइएगा तो होगा ये रिसीट, है ना. रिसीट का है ये वाला, रजिस्टर ऑफ रिसीट कहा जाता है. हाँ बोलिए. हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सही है ना. तो इसमें दो कॉलम खास होंगे, एक मंथ एक्सपेंडिचर और दूसरा प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर. यही हाल 64 का भी है. लेकिन फॉर्म 80 जब आप देखिएगा ना, तो फॉर्म 80 में कहीं पर भी आपको पिछले महीने का एक्सपेंडिचर शो नहीं करेगा. इसीलिए अकाउंट देखा जाता है मंथली अकाउंट, तो वो फॉर्म 80 ही होता है. क्लियर हुआ? हुआ ना. फॉर्म 80 में अगस्त से स्टार्ट होगा. अगस्त से स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट तो अप्रैल से ही होगा. लेकिन अप्रैल के अकाउंट में केवल, हाँ अप्रैल के अकाउंट में केवल अप्रैल, मई के अकाउंट में केवल मई, इस तरीके से चलेगा. ठीक से, ठीक. क्लियर है ना. चलिए अब हम लोग आते हैं. इसमें एक और चीज दिया गया है, वो है CPWA 61, और वो क्या है, शेड्यूल डॉकेट. CPWA 61 का फॉर्म 80 में कहीं कोई जिक्र नहीं रहता है. वजह क्यों नहीं रहता है, क्योंकि CPWA 61 जो है ना, इसमें आपका फॉर्म 46 रिसीट के बारे में भी है, ठीक है. फॉर्म 49 लाइसेंस फी के बारे में भी है, ठीक है. फॉर्म 64 वर्क एक्सपेंडिचर के बारे में भी है, 65 डिपॉजिट के बारे में भी है, 66 तकाबी वर्क के बारे में भी है, समझे. 76 मिसलेनियस के बारे में भी है. कहने का मेरा मतलब क्या पता है, कि जितना भी आपके पास में वाउचर है, वाउचर है ना, 61 ओनली टॉक्स अबाउट ओरिजिनल वाउचर. तो 72 भी है ना, डिटेल ऑफ 72. यम एग्जांपल दे रहे हैं, समझे. एग्जांपल से समझिए 61 है किसके बारे में. तो 61 चूंकि ओरिजिनल वाउचर के बारे में है, और इसमें सभी सभी शामिल हैं, सारे के सारे शेड्यूल के डिटेल शामिल हैं, इसलिए फॉर्म 80 में 61 नहीं रहता है. आप समझ गए, फॉर्म 80 में वही रहेगा जो केवल अपने बारे में बताएगा. 46 केवल अपने बारे में बताता है, 49 केवल अपने बारे में बताता है. समझ गए कि नहीं समझे. तो जो केवल अपने बारे में बताएगा उसका मंथली टोटल 80 में रहेगा. 61 चूंकि सबके बारे में बताता है, इसका मंथली टोटल 80 में नहीं मिलेगा. समझ में आई बात? तो सर इसका मंथली 61 का मंथली टोटल कहाँ जाएगा फिर? 61 मंथली टोटल के साथ में नहीं, 61 का जो मंथली टोटल होता है ना, वो आपको प्लीज उसको बंद कर दीजिए, ठीक है. तो 61 का जो टोटल होता है ना, वो आपको 80 के टोटल से मिल जाए. मैंने 61 भी दो में होता है, रिसीट में और डिसबर्समेंट में, समझे कि नहीं. तो 61 का जो टोटल है, ठीक है, वो 80 के टोटल से मैच करेगा. टोटल बराबर टोटल, मैंने ऐसा समझिए 61 बराबर CPW 80, ठीक है. तो सर 61 को भेजना नहीं, इसका मतलब
रिकंसाइल करेगा केवल, भेजना है भेजना है भेजना है भेजना है, लेकिन उसका फिगर आपको ऐसा कॉलम बाई कॉलम नहीं नजर आएगा। मतलब जैसे आपने देखा ना कि फॉर्म 5, फॉर्म 46, फॉर्म 64, ऐसे नीचे फॉर्म 61 नहीं मिलेगा। फॉर्म 61 नहीं भेजिएगा तो ओरिजिनल वाउचर का कैसे हम पता करेंगे? मैं कह रहा हूँ इसकी एंट्री 80 में नहीं दिखती है, आप खोजते रह जाएंगे फॉर्म 80 किसी की सीपीडब्ल्यू 61 तो दिख ही नहीं रहा है। तो 61 ब्रेकअप हो गया था फॉर्म वाइज? हाँ फॉर्म वाइज नहीं ब्रेकअप है, वाउचर वाइज। फॉर्म वाइज ब्रेकअप 80 है, क्या समझे? ये 60 और संजय है सर कि ये केवल केवल सारे बाउचर्स को जरा कंसोलिडेट करके एक एक शेड्यूल बना देता है कि केवल बाउचर्स का। बिल्कुल हां ठीक है ओके। मैं सर देखो कमिटी नहीं है 61 नहीं है, बिल्कुल सही बात है ना। तो फॉर्म 80 जो होता है वो यूं ही नहीं बनाते हैं, इसको बनाने का जो आधार है फॉर्म 81 है। फॉर्म 80 एक शेड्यूल है जबकि फॉर्म 81 एक रजिस्टर है, एक बहुत बड़ा सा रजिस्टर। अब तो कंप्यूटराइज हो गया है इसलिए अब बड़ा सा रजिस्टर नहीं मिलता है, फॉर्म 81 अब आप एग्जिस्ट नहीं करता है जहाँ पे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम लागू है, लेकिन पहले इतना बड़ा रजिस्टर समझे, और सभी शेड्यूल की एंट्री ली जा रही है, और जब एंट्री ली गई हमने टोटलिंग कर लिया रूट कर लिया उसके बाद उसकी एंट्री 80 में करते थे। आप समझ रहे हैं? लिस्ट आपका 83 है, लिस्ट नहीं है ये मैम, एक रजिस्टर है बड़ा सा और इस बुक में जितने भी शेड्यूल के टोटल है मंथली टोटल उन सबको हमने लिया 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 यहाँ से लिया यहाँ से लिया इधर से रिसीट लिया इधर से पेमेंट लिया और दोनों को फिर टोटल करके मिलाया समझे। उसमें नहीं मिला अब फिर उसके बाद में वो पहले पेंसिल से वो काम होता था, पेंसिल से मिटाया फटाफट इरेजर इरेज किया इरेज किया ठीक है, फिर से टोटल करके फिर जोड़ा, जब वो मिल गया टैली कर लिया, टैली करने के बाद में प्रूफ, प्रूफ का मतलब चेक करवाया, चेक हो गया उसके बाद उसकी एंट्री 80 में करते हैं, क्योंकि 80 तो पाव में जाएगा ना एडी के पास। सर एक्सरसाइज बुक कर सकते हैं कि सर रफ एक्सरसाइज बुक हो गई मंथली अकाउंट के पहले। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो यह है एब्स्ट्रैक्ट बुक ठीक है। और इसमें एंट्री करते हैं तो कहाँ कहाँ से करते हैं देख लीजिएगा, तीन जगह से, कैश अकाउंट से, स्टॉक समरी ऑफ स्टॉक और ट्रांसफर एंट्री। क्लियर हुआ? नो सर। है कि नहीं? आगे देख लेते हैं मंथली अकाउंट का पाव बिफोर रेट, वो तो हमने देखा ही था। अब लोग आते हैं 4.2 में, 4.1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 4.2 शेड्यूल ऑफ ग्राफिक्स के बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे ठीक है। अभी तक हम लोगों ने शेड्यूल ऑफ ग्राफिक्स का केवल इंट्रो देखा है, तो हम लोग देख रहे हैं फॉर्म CPWA 61 ठीक है, और उसको हम नाम देंगे शेड्यूल डॉक्स ठीक है। शेड्यूल डॉकेट आप खुद देख लीजिएगा है ना, चलिए हम आगे देख लेते हैं। शेड्यूल डॉकेट फॉर्म 61 में क्या क्या है, चार्जेस ऑन वर्क नॉट परसेंटेज चार्ज ऑन एस्टेब्लिशमेंट TNP एक्सेट्रा, ये दो हिस्से में बटा हुआ है ठीक है। शेड्यूल डॉकेट में क्या लिया जाता है और क्या नहीं लिया जाता है ठीक है, तो लिया जाता है ऑल चार्जेस ऑन वर्क ठीक है, नहीं लिया जाता है ठीक है, वर्क का चार्ज होगा लेकिन परसेंटेज चार्ज ऑन तीन चीज में एस्टेब्लिशमेंट टूल्स एंड प्लान अकाउंट एंड ऑडिट, ये तीन चीज को नहीं लिया जाएगा जबकि ये खर्च वर्क नहीं हुआ है। अब याद कीजिए परसेंटेज चार्ज ऑन वर्क ये कहाँ किससे लिया जाता था, प्राइवेट पार्टी से, याद आ रहा है? हाँ सर, जब हम सर्विस देते हैं अदर गवर्नमेंट को, अदर गवर्नमेंट को। अच्छा, अपने डिवीजन में वर्क के अलावा भी तो बहुत सारे चार्जेज होते हैं, चार्ज का मतलब खर्च होता है ना, तो इसको अदर चार्जेस कह सकते हैं, अदर खर्च जो वर्क पे नहीं है, नॉट ऑन वर्क ठीक है, मतलब नॉट ऑन वर्क, जैसे एस्टेब्लिशमेंट को सैलरी वगैरह मिल रही है, अपने लोग को तनख्वाह दे रहे हैं ना हम लोग, हमारा खर्चा ही तो है, बोलिए है कि नहीं? हाँ सर है ना, तो वहां पे जो कि
कंटिजेंसी बिल, एसीडीसी बिल समझे, पे जो खर्च होता है उसको छोड़ करके बाकी सारे, ठीक है। तो ये हुए लेना है और नहीं लेना है एक्सपेंडिचर ऑन एसीडीसी बिल, जिसको कि यहाँ पे कहा गया है कंटिजेंट चार्जेस। तो आपका लैंग्वेज है कंटिजेंट चार्जेस, पर आप सोचेंगे यार ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, एसी बिल है डिटेल कंटिजेंसी और ये कौन सा बिल है, एसी एब्स्ट्रैक्ट कंटिजेंसी, ठीक है। तो ये एसी बिल डीसी बिल दोनों को कंटिजेंट चार्जेस के अंदर ही रखा जाता है, जो ये पॉपुलर टर्म है। इन दोनों को हम लोग शेड्यूल डॉकेट में लेते हैं, किसको लेते हैं, ऑल चार्जेस वर्क, नहीं लेते हैं परसेंटेज चार्जेस वर्क के अलावा जो भी खर्चे हैं उसमें नहीं लेते हैं, कौन सा एसी डीसी बिल के ऊपर। यहाँ पर क्लियर हो गया मामला सर? ये एसी बिल सर एक बार दोबारा बताना सर, ये वो आपको नहीं पता है, जैसे अपने ऑफिस में मान लीजिए स्वीपर ने कोई खर्च किया है, मतलब स्वीपर को तनख्वाह देनी है, या फिर मान लीजिए कि कोई आ रहे हैं ऑन हमारे ऑफिस में पीएजी आ रहे हैं, तो पीएजी के स्वागत के लिए हम लोगों ने फूल लगाया है, बैंड वालों को बुलाया है, उनके लिए नाश्ता मंगवाया है, ठीक है। तो ये सब जो फटाफट खर्चे होते हैं ना, इनको आप एसी बिल में रख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कंटिजेंसी बिल, ठीक है। उसमें होता क्या है कि किसी के हाथ में जैसे इंटरेस्ट जैसा होता है ना इंटरेस्ट, ठीक है, तो वैसे किसी के हाथ में पैसे दिए जाते हैं 10,000 रुपये, 10,000 रुपये दे दिए गए तो वो 10,000 रुपये एसी बिल में आ गया, है ना, एब्स्ट्रैक्ट कंटिजेंसी बिल। उसने बताया क्या मोटा मोटा कि भाई 10,000 में से आपने 2,000 खर्च किए फूल में, ठीक है, फ्लावर में, और 2,000 खर्च किए सजावट में, ठीक है, और बाकी का 6,000 खर्च किए नाश्ते में, ठीक है। इस तरीके से ये जब देंगे ना तो ये डीसी बिल हो जाएगा। फॉर्म भी होता होगा सर एसी में, एसी का? हाँ, एसी डीसी बिल का फॉर्म है, पर वो जो फॉर्म है ना वो मैं ना सीपीडब्ल्यू में नहीं, सीपीडब्ल्यूडी का नहीं है, वो जीआर का है, कैन का, कैन हाँ, कैन कैन का भी है, जीआर और गार का है, गार रेसिडेंट पेमेंट टूल में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो मामला आपको समझ में आया ना जी कि शेड्यूल डॉकेट में क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, एसी डीसी बिल क्या था आपको समझ में आ गया? आगे देख लेते हैं। हाँ जी सर। इसके अलावा शेड्यूल डॉकेट में आपने दो तरह से खर्चे देखे फॉर्म 61, इसके अलावा आपको जो अकाउंट में लेने हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग अकाउंट पढ़ रहे हैं ना, अकाउंट में जो लेने हैं वो सीपीडब्ल्यू 64 लेने हैं, CPWA 64 के बारे में आप लोग जानते हैं, वर्क एक्सपेंडिचर के बारे में बात करता है, 65 बात करता है एक्सपेंडिचर ऑन डिपॉजिट, ठीक है, और 66 बात करता है एक्सपेंडिचर ऑन तकावी वर्क, पता है कि नहीं? yes, जानते हैं कि नहीं? कहाँ पढ़ा आपने? आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है, चैप्टर 2 में। हालांकि फॉर्म का नंबर आप लोग को नहीं पता था, लेकिन नंबर में बताता हूँ, ये तीनों नंबर एकदम कंटिन्यूअस है, और ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर मिलेगा कि लगातार तीन फॉर्म जो हैं वो कहीं अकाउंट में शामिल होते हैं, इसके अलावा तो कहीं नहीं, मुझे जहाँ तक याद है। एक जगह और एक प्रमाण केवल दो फॉर्म है 76 और 77, 76 और 77, उसके बारे में भी आने वाले, ठीक है। उसके अलावा है फॉर्म 72, ठीक है, CPWA 72, और CPWA 72 जो है डेबिट टू स्टॉक है, जाहिर सी बात है डेबिट का मतलब खर्च के बारे में है ना, यही चार्जेज है, यही खर्च, ये सब डेबिट है, ऑल आर डेबिट, ठीक है, सभी क्या है खर्च के, ठीक है। 72 जो डेबिट टू स्टॉक है, इसके बारे में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है, मैं आपको बता दूं डेबिट टू स्टॉक का मतलब क्या है, कि अगर आपने किसी को, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आपने किसी को स्टॉक दे दिया है, ठीक, तो वो क्रेडिट ऑन सेल वाला मामला जानते हैं ना आप लोग? अरे भाई एमडब्ल्यू का मामला है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल से आप डेबिट क्रेडिट दोनों समझ लीजिएगा। मान लीजिए स्टॉक, ठीक है, सेल ऑन क्रेडिट, ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, कहीं ना कहीं तो डेबिट देना होगा, तो आप डेबिट टू स्टॉक देंगे, ठीक है, और इसका जिक्र कहाँ करेंगे, फॉर्म 72 में, ठीक है। और क्रेडिट टू स्टॉक जो होगा वो क्रेडिट स्टॉक नहीं होता है, क्रेडिट टू एमडब्ल्यूए होता है,
सेल ऑन क्रेडिट, ठीक है। और इसके लिए जो फॉर्म है वो है CPWA 70, कौन सा फॉर्म है? 20, याद आ रहा है किसी को? MWP कौन सा फॉर्म है? तो डेबिट हमने किसको किया? फॉर्म 72 में, और क्रेडिट किसमें किया? फॉर्म 70 में। क्लियर सर? MWA तो सर डेबिट नेचर का होता है। नहीं तो मैंने क्या बोला? नहीं नहीं, MWA जो है डेबिट डेबिट नेचर का नहीं होता, मिसलेनियस वर्क ऑफ जब हमारे नहीं, ठीक 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 नहीं, ठीक है ये तो आपने सही बताया, ये तो आपने MWA तो डेबिट नेचर का होता है, आप पकड़े हैं, बहुत बढ़िया। चलिए इसको हम देख लेते हैं, इसको हम करेक्ट करेंगे किस तरीके से, देखते आगे। हाँ, 72 जो है डेबिट का स्टॉक है, ठीक है, इसका मतलब वो है कि वो सेल ऑन क्रेडिट वाला मामला नहीं है, कुछ और मामला है, हम इसको देख लेते हैं वो क्या है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, सर यही है सर, प्रोक्योरमेंट आप जब स्टॉक करते हैं ना तभी डेबिट होता है वो, प्रोक्योरमेंट आप जब स्टोर करेंगे तब डेबिट नेचर का होगा। तब क्या करते हैं इसको, आप जब स्टॉक परचेज करते हैं तब आप कितने का अपने स्टॉक परचेज, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए थैंक यू, आगे बढ़ जाते हैं। फॉर्म है 46A, रिफंड ऑफ रिवेन्यू, ठीक है। तो आपने 46 लिखा होगा, अभी थोड़ी देर पहले 46 लिखा था, याद कीजिए 46 क्या था? रिसीट, रेवेन्यू रिसीट था कि नहीं? रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट नहीं था, रिसीट में उसने कैपिटल रिसीट भी एंट्री करता। हाँ, केवल रिसीप्ट, रिसीप्ट का है 46। हाँ, CPWA 46 जो है ना, उसमें रजिस्टर ऑफ रिसीप्ट है, हाँ है ना। लेकिन 46A अगर आप फाइनल कर देंगे तो रिफंड ऑफ रिवेन्यू, CPWA 46A, ठीक है, वो क्या है? रिफंड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। और मजेदार बात आपको बता दूं, क्योंकि आप CPWA पढ़ रहे हैं इसमें टैक्स रिवेन्यू का रिफंड शामिल नहीं है, सही है गलत? इसी वजह से ये केवल नॉन टैक्स NTR, नॉन टैक्स रिफंड शामिल है ना। और नॉन टैक्स रिफंड में जो माइनर हेड होता है वो जीरो होता है, ठीक है। और देखिए मैडम ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है, 46A में तीन चीजें हैं, ठीक है, तो मैं इसे यहाँ मिटा देता हूँ। हालांकि रिफंड ऑफ रिवेन्यू भी है, उसके अलावा क्या क्या शामिल है वो देख लीजिए। आपको 46A रिफंड ऑफ रिवेन्यू तो है ही, रिसीट एंड रिकवरी ऑन कैपिटल अकाउंट भी, ठीक है, तो दो चीजें हैं, ठीक है। रिफंड ऑफ रिवेन्यू तो ROR, ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा है रिसीट एंड रिकवरी ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, रिसीट एंड रिकवरी ऑन कैपिटल अकाउंट, क्लियर होगा है ना, बोलिए, ठीक है ना मैम? हाँ सर, बिल्कुल। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, इसी में 4.2 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, उसमें कह रहा है कैश रिसीट एज रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर विल बी पोस्टेड एज रिफंड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मसला है, ये MCQ बनाएगा, कंफ्यूज भी करेगा, देखिएगा ध्यान से। देखिए आपका 4.2 में जो C के नीचे से चालू होता है वहां से पढ़ना है कैश रिसीट विच हैव टू बी टेकन, ठीक है, 4.2 में C का जो सेकेंड पारा है, ठीक है, उसको पढ़िए, लिखता है कैश रिसीट विच हैव टू बी टेकन इन रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, राइट, जो भी पैराग्राफ 9.1.3 है, विल बी पोस्टेड एज रिफंड, ठीक है,
है ना, तो टैक्स रिसीट हुआ ठीक है, और वो रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर है। रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर में आप देखिएगा कि वो किस तरीके से होता है, रिसीट होता नहीं है वो, समझे। अगर रिसीट हो गया होता तो हम उसको पैसा लेते हार कहते हैं। हमने क्या किया था कि 100 रुपये का खर्चा बताया था ठीक, और एस्टिमेट था 100 रुपये का, और एस्टिमेट में हमारा जो 90 है एक्चुअल खर्च हुआ, एक्चुअल ठीक है ना, एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ, ये एस्टिमेट है ठीक है। तो जो 90 एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ तो 10 रुपये हमने कहाँ ले लिया, यहाँ पे ठीक है, कैश रिसीट ऐसा लिया जाता है कैश बुक में। लेकिन ये 10 रुपये हमें लिया जरूर है ठीक, लेकिन ये 10 रुपये जो है हमारे पास में धन लिएगा, हमारे पास में आया नहीं है, समझे। न आने की वजह से इसको हम रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर के तौर पर ट्रीट करते हैं, सही बात है ना, लेकिन इसको हम रिफंड के तौर पर ट्रीट करेंगे। और अगर आप इसको रिफंड के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, इसकी एंट्री फी कहाँ आ जाएगी, कॉम्पिटिटिव ए में, क्लियर, बोलिए है ना। ये 10 रुपये वाला आएगा ना सर, क्या बोल रहे हैं, 10 रुपीज जो आपने रिफंड किया रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, वो केवल ठीक है ना। तो ये आपका एमसीक्यू बनेगा, इसके आप ऊपर में ध्यान से देख लीजिए कि कहीं भी रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर अगर है ठीक है, उसको आप रिफंड के तौर पर ठीक कर ठीक है। आगे एंड ऑफ द मंथ में आपका शेड्यूल डॉकेट, शेड्यूल डॉकेट में आप क्या कर रहे हैं भाई, शेड्यूल डॉकेट में आपने देखा था कि 3 चीज दे रहे थे ठीक, पहला चेक अकाउंट से ले रहे थे है ना, उत्तर ले रहे थे स्टॉक अकाउंट ठीक है। स्टॉक अकाउंट तक क्या ले रहे थे, स्टॉक अकाउंट से आप ले रहे थे फॉर्म 9 और फॉर्म 10, PPWA 9 ठीक है और PPWA 10 ठीक है। 9 क्या था, समरी ऑफ रिसीट और समरी ऑफ इंटेंट, ठीक है, बोलिए। हाँ सर, हाँ सर, समारी ऑफ स्टॉक रिसीट ठीक है। अच्छा ये आपने किस चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 7 में। तो ये जो दोनों बनता है समारी ऑफ स्टॉक रिसीट एंड समारी ऑफ स्टॉक इंडेंट, ये कहाँ बनता है, सब डिवीजन में कि डिवीजन में, डीओ पे सर, डिवीजन पे, बिल्कुल बिल्कुल सही है ना, ये डिवीजन में बनता है ठीक है। इसका मतलब क्या कि सब डिवीजन के कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं ठीक, जो कि डिवीजन में आते हैं लेकिन डिवीजन वाले उसको एजी को भेजते नहीं हैं, ये जाता है एजी के पास में शेड्यूल डॉकेट के साथ अटैचमेंट अलग के, समझ गए, ठीक है सर। और ये अटैचमेंट कब लगेगा शेड्यूल डॉकेट में, एंड ऑफ द मंथ में, हाँ बोलिए। शेड्यूल डॉकेट में तो हो गई 9 और 10 से एंट्री कर लेते हैं शेड्यूल डॉकेट में, हाँ एंट्री कर लेते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल फॉर्म भी अटैचमेंट में भेजते हैं, इंक्लोजर समझ लीजिए आप, और अबस्ट्रैक्ट बुक में इसके साथ साथ जो है कैश बुक से और एंट्री ले लेते हैं, हाँ कैश बुक से भी एंट्री लेते हैं, स्टॉक से भी लेते हैं, 9 और 10 की एंट्री होती है, उसे कैसे एंट्री होती है, वो डेबिट टू स्टॉक वाला मामला है ना, उसी में क्रेडिट टू स्टॉक भी होता है, समझे, 72 दोनों है, ओके ठीक है, उसकी भी एंट्री ली जाती है, इसमें नहीं लिखा है, आगे लिखा होगा, खैर। तो अब हम आ जाते हैं तीसरा ट्रांसफर एंट्री, ठीक है, लेकिन देख लेते हैं इसके अलावा इसमें कुछ बच गया है क्या, क्योंकि छूटना नहीं चाहिए। चलिए अभी स्टॉक के वाले में बचा हुआ, क्या बचा हुआ है, टोटल ऑफ मंथ स्टॉक ट्रांजेक्शन को लिया जाता है प्लस डेबिट और क्रेडिट में, उसको सिंगल फिगर लिया जाता है, समझे। अब आप ध्यान से देखिएगा स्टॉक ट्रांजेक्शन का जो टोटल है, समझे, उसमें आपका 9 और 10 दोनों की एंट्री अलग अलग नहीं की जाती है, 9 और 10 को आपस में माइनस कर दिया जाता है। तो मान लीजिए कि रिसीट जो हुआ है आपका वो हुआ है 10,000 का, ठीक है, और इंडेंट जो बन गया है वो आपका बना है 9,000 का, ठीक है। तो आप जो एंट्री लेते हैं इसमें मंथली अकाउंट में और इसमें डॉकेट में भी, वो आप अलग 10,000 और अलग 9,000 नहीं लेते हैं, 10,000 माइनस 9,000 करते हैं और 1,000 रुपये प्लस में एंट्री लेते हैं, समझे। अब आप कहिए कि माइनस में एंट्री कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है हुजूर, क्योंकि आपको केवल उसी महीने का ट्रांजेक्शन लेना है, तो क्या ये संभव नहीं है कि एक महीने में आपके पास बैलेंस कितना बैलेंस है, कोई लेना देना नहीं है, क्या ये पॉसिबल नहीं कि एक महीने में हमारे पास में 5,000 का स्टॉक रिसीव हुआ और 7,000 का स्टॉक इंडेंट हुआ, हो सकता है कि नहीं हो सकता है,
है ना, तो वहां पे हम 5000 माइनस 7000 करेंगे तो माइनस में 2000 नहीं आवेगा। इसीलिए इसमें कहा गया कि टोटल ऑफ मंथ स्टॉक ट्रांजेक्शन जो होगा उसको डेबिट और क्रेडिट में प्लस माइनस के हिसाब से लेना है और सिंगल फिगर में लेना है, उसी को सीडल डॉकेट में पोस्ट करना है। ठीक है, उसमें मटेरियल इश्यू जो होगा वो प्लस होगा स्टॉक टू वर्क और माइनस वर्क टू स्टॉक। अच्छा, इसमें एक और भी है, ये तो हो गया आपका स्टॉक। ठीक है, स्टॉक के अलावा आपको मटेरियल का भी लेना है, स्टॉक हुआ जब आपने परचेज किया। ठीक है, ये अलग फिगर है, इसके साथ एक मटेरियल वाला फिगर भी आता है, वो आपने देखा होगा। ठीक है, एक होता है मटेरियल एट साइट, ये आपने देखा है चैप्टर सेवन में नहीं देखा है इसको, आपने देखा है चैप्टर 10.3 में। चैप्टर 7 में लिखा था कि जो है ये मटेरियल आउट वाला जो मामला है वो आपको चैप्टर 10.3 में मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ था ना। तो फिर आप लोगों ने जिन्होंने शुरुआत से पढ़ा है और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, हाँ, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेंगे, लेकिन ये फिल्म चैप्टर 10.3 में लिखा हुआ है, पारा 10.3 में, है ना, चैप्टर 10। ठीक है, तो मटेरियल में भी यही मामला होता है, जैसे स्टॉक का आपने रिसीव किया बाहर भेजा, इसी तरीके से मटेरियल, ठीक है, में दो होता है स्टॉक टू वर्क, ठीक है, और फिर वर्क टू स्टॉक रिटर्न। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, मटेरियल स्टॉक आप कहाँ कहाँ से रिसीव करते हैं, जरा एक बार रिवाइज कीजिए तो फटाक से बताइए, तो स्टॉक कहाँ कहाँ से रिसीव करते हैं, सर आपका इंडियन होगा, एब्रॉड होगा, आपका किसी वर्क से होगा, और प्लस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से भी हो सकता है, और अदर डिवीजन से, डिपार्टमेंट से, अदर डिवीजन डिपार्टमेंट से। बहुत बढ़िया। इतने में से एक वाला जो है, जब आप वर्क से आपका स्टॉक रिटर्न होता है तब होता है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए स्टॉक टू वर्क गया था, इसमें आपका माइनस अमूमन नहीं होना चाहिए, पता नहीं लोग माइनस क्या लिखते हैं। हम स्टॉक टू वर्क भेजेंगे मान लीजिए 400 का सामान, ठीक है, तो यहाँ पे 390 खर्चा होगा, तो वर्क टू स्टॉक 10 रुपए में रिटर्न होगा जी, तभी ना आपका 400 माइनस 10 कंज्यूम होगा 390। हाँ सर, माइनस में कहाँ होगा, माइनस हाँ, पर पता है इसमें कायम, पता है इसमें माइनस कैसे लिख दिया, ठीक है, पर माइनस लिखा हुआ है, प्लस माइनस बैलेंस उसको भी, हाँ, उसको रिफंड के तौर पर ट्रांसफर एंट्री से इसको लिया जाएगा, इसको लिया जाएगा टी के माध्यम से, ये यहाँ से घुसेगा। तो आपका जो देखा आपने कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, ये जो घुस रहा है वो टी के माध्यम से घुस रहा है। टी के माध्यम से केवल यही नहीं घुस रहा है, टी के माध्यम से तो पूरा बाजार ही खुल जाएगा, समझे, और काफी चीजें घुसने लग जाएंगी। उदाहरण के तौर पे हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 5 में, उसमें शेड्यूल डॉकेट जो है फाइनली इसको वर्क एक्सट्रैक्ट से रिकनसाइल किया जाता है। ठीक है, तो शेड्यूल डॉकेट जो है, क्योंकि सारा का सारा वर्क से रिलेटेड है ना, तो वर्क एक्सट्रैक्ट का फॉर्म किसी को याद है, बताइए तो। हाँ सर, 33। बिल्कुल सही है ना, तो शेड्यूल डॉकेट जो है, शेड्यूल डॉक, ठीक है, उसको वर्क एप से रिकनसाइल किया जाता है, यानी कि CPWA 61 रिकनसाइल, इक्विवेलेंट का निशान ऐसे ही होता है ना जी, हाँ, CPWA 33, ठीक है, इसको रिकनसाइल कर लिया है ना, आगे बढ़ जाए। चलिए, इसमें अटैचमेंट, शेड्यूल डॉकेट में अटैचमेंट क्या क्या है, तो आपने देखा कैश अकाउंट है, अब हम अटैचमेंट लिख रहे हैं, इसमें किसकी एंट्री हो रही है अब वो हम नहीं लिख रहे, अब हम क्या लिख रहे हैं, अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब इंक्लोजर, ठीक है, कौन कौन सी चीजें एकदम इंक्लोज की जाती हैं एकदम निश्चित तौर पे, वो देखिएगा आप, शेड्यूल डॉकेट में इंक्लोजर क्या है, इंक्लोजर है ना, एक एक 34 क्या होगा बताओ, बताइए तो जरा, ट्रांसफर एंट्री का ऑर्डर, बहुत बड़ी सिंगल, बहुत बड़ा, ठीक है। दूसरा होगा कैम CPW 18 क्या है, सर्वे रिपोर्ट, क्या बात, सर्वे रिपोर्ट, बहुत बढ़िया। और CPW 19 क्या है, सेल अकाउंट, सर सेल अकाउंट, बहुत बढ़िया, ये सब इंक्लोजर है, इसका क्लियर है कि नहीं। अच्छा, क्या आपको ये बताया गया है कि आप जो 1000 रुपए से कम के जो वाउचर होते हैं कंटिंजेंसी में, उनको एजी ऑफिस नहीं भेजा जाता है,
ये बताया गया है पहले पढ़ा लास्ट क्लास में। बस 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 ऐसे जितने वाउचर जो कि एजी ऑफिस में नहीं भेजे जाते हैं पर उनकी एंट्री होती है, समझ गए? एजी मतलब पाओ, यहाँ पे बुक में तो पाओ लिखा है ना, मैं बार बार एजी बोल देता हूँ इसलिए मुझे माफ कर दिया जाना चाहिए, ठीक है? तो जो वाउचर की एंट्री शेड्यूल डॉकेट में या अकाउंट में नहीं हो रही है, पाओ ये कंसीडर करके चलता है कि डिविजनल अकाउंटेंट ने उसको प्रॉपरली चेक कर लिया होगा, और अगर उसमें किसी भी तरह की गलती होगी तो डिविजनल अकाउंटेंट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ नोट वन में, 4.2 नोट वन अगले पन्ने में है, जरा देखिएगा, पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है। द ऑडिट ऑफ शेड्यूल डॉकेट इज कंडक्टेड इन पाओ इन द एजम्पशन दैट पेटी वाउचर, पेटी वाउचर का मतलब वो जो एजी ऑफिस नहीं आया है, ठीक है ना, और इनिशियल स्टॉक अकाउंट, इनिशियल स्टॉक अकाउंट समझ रहे ना, मैंने आपको पहले बताया कि स्टॉक अकाउंट में क्या आता है एजी ऑफिस के पास में, केवल समरी ऑफ रिसीट एंड समरी ऑफ इंडेंट। इनिशियल स्टॉक अकाउंट का जो भी मैंने आपको फॉर्म बताया, फॉर्म नंबर 7, 8, 9, 10, मैं 9, 10 तो आता ही, 7, 8, 9, 11, 12, 13 यहाँ तक जो भी आपको इनिशियल स्टॉक अकाउंट है, 9, 10 को छोड़ दिया जाए तो क्या पाओ में कोई भेजा जाता है, बताइए? नहीं सर, केवल 9 और 10 है ना। तो दो चीजें, एक पेटी वाउचर और एक इनिशियल स्टॉक अकाउंट है ना, पेटी वाउचर और दूसरा CPWA 7, 8 फिर 9, 10 नहीं, 11, 12, 13 और 14 भी है क्या, ठीक है, इसको बोलते हैं इनिशियल स्टॉक अकाउंट, बोलते हैं ना? हाँ सर। इनको ऐसा मान लिया जाता है कि डिविजनल अकाउंटेंट ने चेक कर लिया हो, आप समझ रहे बात? और लास्ट लाइन लिखता है द डिविजनल अकाउंटेंट इज देयरफॉर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूरेसी ऑफ दीज अकाउंट, ठीक है, एज स्टेटेड इन द शेड्यूल डॉक्यूमेंट, क्लियर समझ गए आप लोग? क्योंकि शेड्यूल डॉक्यूमेंट में तो वाउचर का डिटेल लिखना ही है और आपको ओरिजिनल वाउचर भेजना ही है, और ये वाउचर तो नहीं भेजने, तो आपके जो पाओ हैं उनको तो पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में ये वाउचर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, क्योंकि ओरिजिनल तो है नहीं मेरे पास में, क्लियर समझ में आई बात? हाँ सर। तो ये आपका एमसीक्यू बनेगा, ठीक है, और अगर आपने इसको इस तरीके से नहीं पढ़ा होता तो आप कुछ का कुछ समझ लेते, लेकिन नहीं, ये पेटी वाउचर और CPWA 7, 8, 11, 12, 13, 14 इनिशियल स्टॉक अकाउंट के बारे में है ना, जो यहाँ पे नहीं आता है। चलिए अगली लाइन देख लेते हैं हम लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं अच्छा, हम लोगों ने देखा था CPW 61 जो आपका शेड्यूल डॉकेट है, उसके अलावा CPW 62 के बारे में हम लोगों ने देखा, इसमें किसकी एंट्री की जाती थी आप लोगों को पता ही होगा, परसेंटेज चार्जेस ऑन एस्टेब्लिशमेंट PNP एंड ऑडिट एंड अकाउंट, है कि नहीं? सर हाँ बोलिए, को नहीं किए गए हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, डॉकेट में रहते हैं क्या शेड्यूल डॉकेट, कौन से वाले वो कोर किए गए, ये जो पिटी वाउचर हैं या इनिशियल स्टॉक अकाउंट हैं? हाँ, इसकी एंट्री होती है फिगर की, शेड्यूल में होती है ना, मान लीजिए कि 10 रुपए का वाउचर है, हालांकि इसमें वाउचर वाइज एंट्री नहीं होती है, उसकी टोटल एंट्री होती है, टोटल की मान लीजिए कि 10-20 वाउचर है, 10-20 वाउचर का टोटल मिला करके आपके पास में आ गया कुछ रुपया आ गया, ठीक है, तो उसका सर्टिफिकेट देख दे देता है डिविजनल अकाउंटेंट कि आई हैव पर्सनली चेक दैट, अभी देना तो पाओ ये मान के चलता है कि तुमने देखा है और जो गलती हुई उसकी तुम जिम्मेदार हो, सब वो इंटरनल ऑडिट के सब पकड़ में आ जाता है, वो इंटरनल ऑडिट होगा ना सब पकड़ में आ जाएगा, और ये वाला जो है ना तीनों, ये 61 में नहीं आता है, 62 में आता है, क्यों 61 में नहीं आता है याद कीजिए, थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, क्योंकि ये चार्जेज ऑन वर्क है, इसमें लिखा हुआ था कि अदर देन परसेंटेज चार्जेज ऑन एस्टेब्लिशमेंट TNP एंड अकाउंट एंड ऑडिट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, 5 मिनट पहले लिखा था, नहीं अच्छा ओके, यस सर, यस सर, है कि नहीं, उसको CPW 61 के दो पार्ट किए थे है ना, एक चार्जेज ऑन वर्क उसमें इसको माइनस किया था, कटकुट किया था, क्या नहीं किया था, आगे बढ़ जाते हैं।
अब हम लोग आते हैं 4.4 पे, जो कि तमाम सबसे बड़े रजिस्टरों के बारे में बताया जाता है, और आप लोग इसको देख करके घबराहट होने लग जाती है। पर मैं पहले बता देता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं है? क्योंकि आप अकाउंट देखने जा रहे हैं, है ना। अकाउंट में आपने जो जो फॉर्म पहले देख रखे हैं हम लोग उसको लिख लेंगे, है ना, और जो फॉर्म हमने नहीं देखा खाली हमको उसमें भी ध्यान से देखना है। जी बोलिए। हाँ कि ना? यस सर। पर आपको यकीन दिला दूं, मैंने आपने ऐसा एक भी फॉर्म नहीं है जो नहीं देखा है, सारे के सारे फॉर्म आपने देख रखे हैं, पर आप खुद ही बोलेंगे, देख लीजिए आप। तो हम शुरू करते हैं मंथली अकाउंट, ठीक है। तो मंथली अकाउंट का पहला पन्ना क्या है? यह फॉर्म CPWA 83 है कि नहीं? अगला CPWA 80, है ना, और 80 में ही सारे दर्ज करने हैं, तो हम ऐसे दर्ज करेंगे। इसमें जो फॉर्म बताए गए हैं, ठीक है, हम उसको ऊट पटांग दर्ज नहीं करेंगे, हम उसको ऐसे दर्ज करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट। अच्छा, ये कैशबुक नहीं है, मैं पहले बता दूं, इसलिए डेबिट और क्रेडिट नहीं होगा, समझ रहे हैं आप? अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा चलिए, अमाउंट लिखते हैं, ये खेल हो जाएगा, मजा आ जाएगा, देखिएगा आप लोग, ठीक है, मस्त मजा आ जाएगा। देखिए एक इमेजिनरी अमाउंट लिखेंगे। अच्छा, अमाउंट भी वही लिखेंगे जो आप लोग बोलेंगे, ठीक है। फॉर्म 46 में कितना लिखना चाहते हैं आप लोग, जल्दी बोलिए, जो भी अमाउंट बोलिएगा, हजार से नीचे का, हजार से नीचे का नहीं, हजार से नीचे का 500 बोलिए, 500 चलिए, ठीक है। अब देखिएगा फॉर्म 80 में भी वही नियम लागू पड़ेगा, रिसीट एंड पेमेंट मिलना चाहिए, टैली करना चाहिए। मस्त बात है कि इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, क्लियर? क्लियर सर, है ना। हाँ सर, क्लियर। फॉर्म 49 कितने आएगा, आया कि नहीं आएगा? लाइसेंसी वाला मामला, इसमें कितना लेना चाहते हैं, जल्दी बोलिए। 300 चलो, 300 ठीक है। अगला फॉर्म 77, ये सबसे नीचे आएगा, ठीक है। इसमें आएगा डेबिट टू, हाँ, तो इसमें क्रेडिट टू रेमिटेंस इधर होगा, ठीक है, क्योंकि रिसीट है ना ये, तो क्रेडिट मतलब पैसा आया टू रेमिटेंस। ना ना, पैसा आया नहीं, यही चक्कर है, यही तो चक्कर है, ये डेबिट टू रेमिटेंस, ठीक है। देखिए ये चेक फिगर होता है, क्रेडिट रेमिटेंस होता है चेक फिगर, ये पता है कि नहीं आपको? हाँ हाँ सर, ठीक है। और ये चालान फिगर होता है, ये चालान, समझ गए, ठीक है ना। ये हम सबसे बाद में एंट्री करेंगे, वजह ये है कि हमने जितना भी खर्चा किया होगा इस साइड में ना, उस सबको टोटल कर देंगे और उसको यहाँ एंट्री कर देंगे, और जितना भी रिसीट किया होगा यहाँ उसको टोटल कर देंगे और यहाँ एंट्री कर देंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझेंगे, देखिएगा मैं आपको बताऊँ कैसे। आगे शेड्यूल ऑफ मिसलेनियस हेड ऑफ अकाउंट रिसीट और 76, तो हम बात करने की इसकी, ये था फॉर्म 77, है ना, ये फॉर्म 77 है, अभी हमने इसकी एंट्री नहीं की है, फॉर्म 77, ये हम सबसे लास्ट में एंट्री कर दी। इसके ऊपर में आएगा फॉर्म 76, ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, क्रेडिट। इसके बारे में आप बोल सकते हैं, मिसलेनियस के बारे में क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर एक इमेजिनरी फिगर बोलिए ना। 100 चलिए, ठीक है, यहाँ पे हो गया 100, और इसका डेबिट फिगर भी बोलिए, खर्च का फिगर 200 कितना जमा किया हमको पता नहीं है, देखिएगा पता चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, फॉर्म आया 76A, ठीक है, वॉइस नहीं आ रही मेरी? नहीं सर, मैं सर 76 में ये कह रहा था जो, हाँ आवाज कट गया, मैं तो इसमें भी मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? मुझे तो एकदम क्लियर है यहाँ पे सर, आपकी आवाज सही है, हाँ आ रही है आपके सर, ठीक है। हाँ,
ठीक है, एक फॉर्म 76A है और फॉर्म 76 से कैश सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट CSSA। तो कैश सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट का हेड याद है किसी को? 6580107। यही वाला वो फॉर्म है जो आपने अभी तक नहीं देखा है, 76A है ना, CSSA। और ये जो कैश सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट है इसमें आपका दोनों ही होता है। पूछे क्या है, पहले आप खर्चा कर देते हैं और बाद में आपका सेक्रेटरी या डिफेंस से पैसा आता है। तो जब खर्च कीजिएगा तो डेबिट में लिखिएगा और जब पैसा आएगा तो क्रेडिट में लिखिएगा। सही है गलत? सही 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 है कि नहीं? इसका भी एक इमेजिनरी फिगर बोल देते हैं, है ना। चलिए इसमें हम दोनों फिगर बराबर ले लेते हैं कि आपने 1000 रुपया खर्चा किया था और 1000 रुपया आपको वापस भी उसी महीने मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ जाए। हाँ सर, 67। चलिए, हाँ, फॉर्म 67 सस्पेंस रजिस्टर। फॉर्म 67 सस्पेंस रजिस्टर में भी दोनों तरह के सस्पेंस होते हैं, पता कि नहीं आपको? ठीक है, यहाँ फॉर्म 67। हाँ, तो हम क्या करेंगे ना कि इसको अलग अलग लिखते हैं, मैंने दोनों ही फॉर्म 67 ही है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैंने क्यों लिखा। ये फॉर्म 46 एक ही होगा जरूरी नहीं है, जितने तरह के रिसीट होंगे। उदाहरण के तौर पर मेरा इनकम टैक्स का रिसीट इसमें आता है फॉर्म 67 में, सस्पेंस में। ठीक है, इनकम टैक्स का रिसीट मेरा कितना आया, मान लीजिए कि मेरे पास में आया 200 रुपए। ठीक है, और ये सस्पेंस का मसला है ना, तो फिर आपने इसमें पेमेंट भी किया है। ठीक है, सस्पेंस में, और डिपॉजिट हम अलग लिखेंगे फॉर्म 67 डिपॉजिट। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं फॉर्म 67 दो बार लिखा गया, नहीं, फॉर्म 46 भी दो बार लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार आप लिखेंगे 00700 माइनर हेड, वो माइनर हेड नहीं, मेजर हेड इरिगेशन वाला, और एक बार लिख सकते हैं 0049। तो आप कहेंगे दोनों के लिए क्या एक ही फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा? हाँ, लेकिन क्या एक ही पन्ना इस्तेमाल किया जाएगा? नहीं, दोनों अलग अलग पन्नों में लिखे जाएंगे, फॉर्मेट सेम है, पेजेज अलग अलग है, सेपरेट मेंटेन किए जाएंगे। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली, उसी तरीके से आपको फॉर्मेट दिया गया है, लेकिन आप जितने ज्यादा यूज करेंगे फॉर्म 46 की तरह चार पन्ने यूज कर रहे हैं तो फॉर्म 80 में चारों पन्नों का डिटेल होगा। हाँ, उसके साथ में मेजर हेड अलग लिखा है। ठीक है ना, तो यहाँ भी हम मान लेते हैं 300 रुपए। ठीक है, अभी आपका क्या है, ये सब आपका सारा रिसीट देख लिया आपने, सारा एक्सपेंडिचर देख लिया। अब आपका आ गया एक्सपेंडिचर फॉर्म 64, 65, 66, 64A। ठीक है सर, तो जो सर फॉर्म 67 है सर, तो ये सर मान लो अगर वहाँ पे सस्पेंस डिपॉजिट नहीं लिखा हुआ है, कैसे समझेंगे, कैसे हम उसको समझेंगे कि डिपॉजिट क्या है, सस्पेंस क्या है? नहीं नहीं समझ पाए, नहीं तो लिखना ही पड़ेगा, वहाँ लिखना ही पड़ेगा क्या? निश्चित तौर पे फॉर्म 67 के बाद में सस्पेंस का मामला है कि डिपॉजिट का मामला है, लिखना ही पड़ेगा। अच्छा हाँ, कैसे समझेंगे, बिल्कुल सही, मेजर हेड लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे अगर मेजर हेड मान लीजिए 67 के बाद में 8658 लिखा होगा तो आप समझिएगा सस्पेंस, 8658, और अगर 8446 लिखा होगा समझिए डिपॉजिट है। यस यस, बिल्कुल सही, ये सही है। थैंक यू, है कि नहीं? हाँ, तो अब आपका क्या आ गया, ये तीन हो गए, और एक 64A भी है ना, 64A, ये वाला आप नहीं जानते थे 64A। हालांकि मैं आपको बता दूं 64A का जो अकाउंट होता है ना वो फॉर्म 80 में शामिल नहीं रहता है। आपका खर्च जरूर है लेकिन इसमें आप फॉर्म 80 में केवल एक वर्क एक्सपेंडिचर ही लिखते हैं, वर्क एक्सपेंडिचर ओनली। हाँ, 64A शामिल है, क्यों शामिल है मैं बता दूं, देखिएगा ध्यान से, 64A में आपका वर्क या रिस्टेब्लिशमेंट के ऊपर में जो आपने सैलरी खर्च की है उसके बारे में जिक्र है 64A, तो यहाँ पे आ जाएगा 64A। फॉर्म 65, फॉर्म 66, ठीक है, तो 64 में मान लीजिए 100 रुपए, 64A में 200 रुपए, 65 में 300 रुपए, और 66 में 400 रुपए, ये मान लीजिए। ठीक है, अब सबको जोड़िए, मेरा ये बाकी है, ये वाला मेरा फिगर भरना बाकी है, जोड़िए सबका, कितना डिफरेंस आ रहा है बताइए, 5, 3, 8 और 2, 10 और 1000। ठीक है,
एक 2000 2100, ये टोटल फिगर आया कितना, रिसीट का टोटल फिगर आया 2100 है ना, और पेमेंट का टोटल फिगर कितना आया, ये 500 का डिफरेंस है, ये 500 ज्यादा है, ये 1600 है, ये 1600, ये कितना 1600 है, अच्छा 1600 है ना ये, तो इसमें आप क्या करेंगे कि इसमें आप हाँ इसको आप इस तरीके से करेंगे ना कि ये वाला फिगर उसमें डाल देंगे, ये वाला फिगर इसमें डाल देंगे, ठीक है, तो ये आपका आया 2100 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और 1600 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, अब आप टोटल करिएगा, समझे, तो ये 1600 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3500 रुपये, ये टोटल 3500 आएगा, ये गोल कर दिया 3500, ये यहाँ कर दिया 3500, मैंने रेमिटांस में आपका जो क्रेडिट है समझे, ये पूरा 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 ये सब का आप चेक बना रहे हैं, सबका, 100 का चेक, 200 का चेक, 300 का चेक, 400 का चेक, 300 का चेक, 1000 का चेक, 200 का चेक, इतना चेक सारा का सारा यहाँ घुस जाएगा 77 समझे, और इतना सारा आपने चालान से बैंक में जमा किया, सबका सब चल जाएगा आपका यहाँ पे डेबिट 77। मान लीजिए कि आपने चालान से जमा नहीं किया था, एक और बैलेंस है जो बच गया है, वो है क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा CB, ठीक, तो मान लीजिए कि आपने चालान से 100 रुपये जमा नहीं किए हैं, ठीक, तो आपका ये 100 रुपये यहाँ आ जाएगा, मतलब कि अगर आपने चालान से जमा नहीं किया है, ठीक है, तो वो पैसा कहाँ घुस जाएगा, कहीं ना कहीं जरूरत किया मैंने, ये तो ठीक था 1600, ये 2000 हो जाएगा, इतना 100 रुपया जो आपने चालान से जमा, हाँ हाँ अब ठीक है, ठीक है ना, तो अब आपका टैली करके, अब आप समझ गए फॉर्मेटी कैसा बन रहा है, और ये केवल महीने का है, ओनली फॉर द मंथ, ओनली और द मंथ, समझे, हाँ सर, तो आपको यही याद रखना है, इतने सारे तो फॉर्म थे आपके पास में, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, और आप बताइए कि कौन सा फॉर्म है जो आपके लिए नया है, 46 रिसीट आप जानते करते हैं, ठीक है, ये 46 दूसरे हेड का रिसीट, 49 रिसीट ऑफ लाइसेंस फी, तब तक आप रिसीट है ना जी, 67 डिपॉजिट अगर इसको छोटी लिखा हो, 67 सस्पेंस अगर इसको प्राइवेट लिखा हो, 76A, ठीक है, 76A किसका था जी, हमको अभी याद में आ रहा है, रिमिटेंस, ये तो आपका मिसलेनियस हेड है ना, ये तो हम लोग याद हो गया, चलिए 64 वर्क एक्सपेंडिचर, 64A एक्सपेंडिचर ऑन एस्टेब्लिशमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन एस्टेब्लिशमेंट है ना, 65A किस पर है, ये डिपॉजिट का, डिपॉजिट 66 किसका है, तकावी, 66 है ना, 67 वापस से 8658 है ना, इसका यहाँ डिपॉजिट का लिखना रह गया है, पर हमने डिपॉजिट पे कोई खर्चा किया ही नहीं है, ठीक है, अच्छा 76 में कहाँ हो गया ये, यहाँ पे ये क्या है 76, CSSA, ना ना CSSA कैश सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये 76, ये देखिएगा, हाँ 76A, हाँ ठीक है, फिर ये 76 मिसलेनियस और 77 रेमिटांस, सब तो अपन को याद लीजिए, केवल एक नया मिला CSSA वाला, 46A मिला, ठीक है, और बस तो हो गया ना, बेटा तू सर मैं ये बोल रहा था सर, इससे चलते हैं सर, क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन इससे रहता है सर, एक क्वेश्चन, हाँ और यही जैसे कि मंथली अकाउंट में इंट्री क्या क्या आता है, तो ये सारे फॉर्म याद रखना पड़ेगा, तभी वहाँ पे सॉर्टिंग कर पाएंगे सर हम लोग, बिल्कुल, क्योंकि कौन भारी बात थोड़ी हमारा तने, आपको रिसीट का रिसीट साइड में डाल देना है, खर्चा खर्चा में डाल देना है, जो दोनों में जाएगा उसको दोनों में रखना है, इतना ही तो याद है, और क्या, 46 कभी भी पेमेंट में नहीं जाएगा, 64 कभी भी रिसीट में नहीं जाएगा, समझिए वो बात को, रेवेन्यू रिसीट हमेशा रिसीट में रहेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा एक्सपेंडिचर में रहेगा, जितना भी DDR हेड है दोनों में रहेगा, DDR हेड दोनों में 8446 दोनों में DDR हेड है, 8658 दोनों में DDR हेड है, 8009 DPF दोनों में DDR हेड है, 872 रेमिटेंस दोनों में DDR हेड है, बिल्कुल बिल्कुल सही है सर, क्लियर, ओके सर,
थैंक यू सर। यस सर, क्लियर। सर बहुत कंफ्यूजन रहता था सर, थैंक यू सर। हम तो डर ही गए थे फॉर्म को रखने से। हाँ, डर ही गए थे, इतना फॉर्म को कैसे याद करे। मैंने पहले बता दिया आप लोग को याद नहीं करना पड़ेगा, आप लोग कमाल नहीं करते हैं, मुझ पे विश्वास नहीं करते, बताइए मेरी कहीं है। सुनिए, संदीप माहेश्वरी जी के इंटरव्यू में खान सर गए थे, समझे? तो उन्होंने कहा था कि बाकी टीचर कहते हैं कि दम है तो याद करके दिखाओ, और मैं कहता हूँ दम है तो भूल के दिखाओ। सही समझे। हम लोग आते हैं 4.4 का नोट ए, नोट वन, 4.4 नोट वन एन वन, ठीक है। 4.4 का नोट वन क्या कहता है, लाइसेंस भी जो है CPWA 49 है ना, CPWA। अच्छा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि बाकी जितने भी आपके शेड्यूल दिए गए हैं जो कि आपको फॉर्म 80 में रखने हैं, ठीक है, उसमें हम लोग घुस रहे हैं अंदर में और उसमें क्या क्या ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो CPWA 49 नोट वन 4.4 में लिखता है कि इसमें 5 चीजें शामिल हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखिए 5 चीजें क्या क्या है भाई, मिलिट्री इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मिलिट्री इंजीनियरिंग, अब सबका सब लाइसेंस की है, देखा है ना। हाँ सर। हेलो, हाँ ठीक है। IAS से रिलेटेड, इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड, IAS, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, DOP, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है, फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉम, ठीक है, और लास्ट जो है वह है आर्कियोलॉजिकल वर्क, ठीक है। इतने 5 से लेकर के जो लाइसेंस फी होते हैं उनके बारे में इसमें लिखा हुआ है नोट वन में, लाइसेंस फी एंड अदर रिवेन्यू रिसीव्ड पर्टेनिंग टू दिस डिजीज, ठीक है, हाँ, रेफर्ड इन पारा 22.4.2 दिस पोस्टेड इन सेपरेट रजिस्टर फॉर्म 49। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर्म 49 दो रजिस्टर बनेंगे, ठीक है, एक फॉर्म 49 बनेगा जिसमें कि आपका अपना वाला होगा, समझ रहे हैं, और इनको लेकर के जितने भी फॉर्म 49 बनेंगे 5 के 5 सेपरेट फॉर्म 49 होंगे, मतलब कि फॉर्म 49-1, ठीक है, 49-2, 49-3, 49-4 एंड 49-5। ठीक है, समझ में आई बात। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि 46 एक से ज्यादा बन सकता है, 49 भी एक से ज्यादा बन सकता है, पर केवल 5 नहीं, 6 जब अपना वाला है तो सिविल डिपार्टमेंट वाला, एंड 49-6 फॉर ऑल अदर सिविल डिपार्टमेंट। क्लियर समझ में आई बात की नहीं? हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है ना। अब हम आते हैं फॉर्म 76 में, मिसलेनियस वाला मामला, ठीक है, मिसलेनियस में किसको किसको लेंगे, तो आपको पता ही है 76 जो है दोनों साइड में जाता है, पता ही नहीं पता है, अभी तो बताया था। यस सर, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट और डेबिट, ये मिसलेनियस वाला है ना, तो ये क्रेडिट होगा और ये डेबिट होगा, और डेबिट में हमेशा खर्चा जाएगा, है ना, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं एक बात पूछता हूँ, जब आप TDS काटते हैं तो किस में रखते हैं, वेस्टेज प्राइवेट में, सस्पेंस में रखते हैं TDS, हाँ वेस्टेज प्राइवेट में। लेकिन मान लीजिए किसी वजह से आपने डायरेक्ट बुकिंग कर दी 0021 की, ठीक है, अब 0021 की जब बुकिंग करेंगे ना, ठीक है कि नहीं, तो वो आपका 46 में रेवेन्यू रिसीट कौन सा रिसीट है पता है, जो केवल आपके डिपार्टमेंट में आता है, सारे का सारा रेवेन्यू रिसीट शामिल नहीं है। फिर से बोल देता हूँ, ये आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, मान लीजिए कि आपका डिपार्टमेंट रोड है, समझ रहे कि नहीं, तो आपका जो गवर्नमेंट है, ध्यान से सुनिएगा, आपका स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक, तो आप क्या कर रहे हैं भाई, आप कर रहे हैं कि 1054 इसको लिख रहे हैं CPWA 46 में,
ठीक है, मान लीजिए कि 400 रुपया हुआ, ठीक। इसी तरीके से 2059, ये सब का सब पीडब्ल्यूडी का हेड है, समझे। यहाँ हुआ 500, 2059 नहीं लिख सकते ना, 0059 लिखना होगा हमको, ठीक है। मतलब कि जो आपका पीडब्ल्यूडी का हेड है खाली वही 46 में जाएगा, समझ गए। और जो पीडब्ल्यूडी का हेड नहीं है, जिसके बारे में आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि आप उसको कहाँ डालिएगा, तो उसको सबका सब 76 में डाल दीजिए। क्लियर हो रहा है? एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल क्या समझिए, सर समझ गए। हाँ, जितने भी पीडब्ल्यूडी के हेड हैं वो सब 46 में जाएंगे। हाँ ठीक है, 0021 इनकम टैक्स को डायरेक्ट आपने दिया है, 76 में आप क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है। 0056 अगर जेल का कोई काम किया है, इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं इसी बुक में, ठीक है। और ये कहाँ दिए गए हैं, 4.4 का डी में, ठीक है, उसको आप यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। 0071 पेंशन का अगर आपने काम किया है उसको आप इसमें डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद 2016 ऑडिट का अगर आपने खर्चा किया है, समझे कि नहीं, उसको आप यहाँ डाल दीजिए, 2017, ठीक है। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसको यहाँ डाल दीजिए। 2075 मिसलेनियस एक्सपेंडिचर पहले लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ डाल दीजिए। 2235, अच्छा 2235 हेड किसी को याद आ रहा है, हम लोगों ने कहाँ देखा था? नहीं सर याद नहीं आ रहा, नहीं याद आ रहा। कौन बोला, फ्रीडम फाइटर का पेंशन कितने बताए जी, बहुत। तो ये हाँ, पेंशन टू फ्रीडम फाइटर, ये वाला, ठीक है। इसमें आप 2235 का ऐड करते हैं, ठीक है ना। और 800 8009 GPF, वो यहाँ भी जा सकता है ना, GPF, हाँ वो यहाँ भी जा सकता है, यहीं बेसिकली जाता है, GPF में पेमेंट भी करते हैं ना, यहाँ भी जा सकता है, ठीक है GPF। तो ये सब का सब जो जाएगा, मतलब कौन सा किस में जाएगा, कौन से फॉर्म में, फॉर्म 76 में। अब बोलिए, क्लियर हुआ सर? नेटवर्क ब्रेक हो गया था, थोड़ा फिर से बोलेंगे। हाँ मैंने कहा कि इतना सब कुछ फॉर्म 76 में जाता है, इतना सब कुछ आपने देख लिया एग्जांपल के तौर पे, ये सब कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को, बताइए। हाँ ना, ओके। इसके अलावा ध्यान से सुनिएगा, हाँ इसके अलावा 3-4 एग्जांपल और दिए हुए हैं जो फॉर्म 76 में ही जाते हैं, ठीक है। वो एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, अलग से दिए हुए, अलग पैराग्राफ में, यानी बात के पैराग्राफ में परसेंटेज चार्जेस ऑन इंपोर्टेड स्टोर, परसेंटेज चार्जेस ऑन इंपोर्टेड स्टोर, विदेश से जो मंगवाया है आपने, समझे कि नहीं, वो उसके ऊपर जो परसेंटेज चार्जेस है उसको भी आप इसी में डालेंगे 76 में। क्लियर हुआ सर? इनकम टैक्स यही आपको, हाँ बोलिए बोलिए सर। वो जो पहला लाइन है इनकम टैक्स डिडक्शन फ्रॉम वाटर एस्टेब्लिशमेंट, ये वाला भी डालेंगे? ये 2017 तो गलत लिखा है अपने, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर जो है, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है 2017 है ना, 17 लिखी है। चलो अच्छा, ये वाला क्या? ये भी ठीक है। रोड फंड, ठीक है, सेंट्रल रोड फंड से जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो, ठीक है, सेंट्रल रोड फंड से एक्सपेंडिचर, क्लियर?
2016 में क्या बोले आपकी सर, साउंड आपकी कुछ हो गई थी। ऑडिट 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 रिकवरी जो लिखे वो क्या सर? हाँ वो तो ऑडिट ठीक है सर, वो रिकवरी जो है क्या है सर, वो आईटी रिकवरी। आईटी रिकवरी हाँ, फ्रॉम वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट वर्क चार्ज, ये 2016 का नहीं है, ये अलग ही है, अलग एग्जांपल चल रहा है ये। एग्जांपल नंबर एक, एग्जांपल नंबर दो। ये ए परसेंटेज चार्जेस ऑन इंपोर्टेड स्टोर्स, यानी विदेश से मंगाया सामान, विदेशी सामान। ठीक है सर, मैं कंफ्यूज कर गया था। ठीक है, ये हो गया, ये वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट का परसेंटेज, ठीक है, मैंने सॉरी आईटी इनकम टैक्स, इट नहीं है, ये आईटी है, इनकम टैक्स है, ठीक है। और ये सेंट्रल रोड फंड सीआरएफ, ठीक है, इसके सबवेंशन से खर्च हो सकता है। सबवेंशन का मतलब जमा, सेंट्रल रोड फंड आप जमा कीजिए और उससे आप खर्च कीजिए, कोई काम कीजिए, ठीक है। और चौथा है एक्सपेंडिचर ऑन फैमिन रिलीफ वर्क, ठीक है। फैमिन रिलीफ फंड जो होता है ना, बाढ़ राहत कोष, ठीक है, बाढ़ राहत कोष से किया गया खर्च, यह काम वो सब का सब 76 में ही एंट्री, क्लियर क्लियर सर, क्लियर है ना। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे फॉर्म 64A से, ठीक है। आज ऑलमोस्ट हमने 3 पन्ने खत्म कर दिए हैं, ठीक है, और समय भी ज़्यादा हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को फायदेमंद लगी होगी, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को, थैंक यू सर, इसके अलावा मैं आप लोगों से एक और, थैंक यू, इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और सूचना देना चाहता हूँ। वो सूचना ये है कि आगे से, मतलब बस एक हफ्ते के अंदर, जो भी एसएएस की परीक्षा में इस साल और इसके पहले के सालों में उन्होंने क्वालिफाई किया है, उनका हम इंटरव्यू लेकर के आ रहे हैं और इस चैनल पे हम लोग डालने वाले हैं। वो आप लोगों को बहुत फायदा करेगा, ये बताएगा कि आप आगे एक महीने में किस तरीके से तैयारी करें। उसमें से जो पहला इंटरव्यू है एक ऐसे शख्स का है जिन्होंने एक ही अटेम्प्ट में न केवल एसएएस निकाला है बल्कि एसएएस निकालने के बाद इंट्रेंस एग्जाम भी एक ही अटेम्प्ट में पास किया है, ठीक है। ओके सर, आप लोग होप करते हैं कि उनका इंटरव्यू देखेंगे, उनको लाइक करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, है कि नहीं, और इससे जो भी आपको फायदा मिल सकेगा वो फायदा लेंगे, ठीक है। ओके सर, ओके बिल्कुल, थैंक यू।